वेलकम बैक. अभी आपको बताएं, दुनिया में क्लीन एनर्जी के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मुश्तरका कोशिशें. पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी क्लीन एनर्जी में तहकीकाती मुआमलत फराहम करेगा. चेयरमैन PAE डॉक्टर राजा अली रजा अनवर की फ्यूजन एनर्जी ग्रुप इजलास में शिरकत. इजलास में पाकिस्तान का क्लीन एनर्जी से मुतालिक बयान पेश किया गया. तो मजीद जान लेते हैं नुमाइंदे अवैस के आने से. अवैस आगाह कीजिए. देखिए, इस अहम तरीन इजलास में चेयरमैन PAEC जो PAEC डॉक्टर राजा अली राजा अनवर की जो है फ्यूजन एनर्जी ग्रुप इजलास में जो है उन्होंने शिरकत की और पाकिस्तान का क्लीन एनर्जी से मुतालिक जो है मामला जो है वो पेश किया. पाकिस्तान इंसानियत को कार्बन से पाक तवानाई के ज़राए की तलाश में तहकीकात के लिए बेचैन है और फ्यूजन क्लीन एनर्जी में एक ग्लास और दो मेटालिक टोकोमाक की तैयारी शामिल है और इसमें जो है फ्यूजन टेक्नोलॉजीज के शोबे में आलमी तावन को बढ़ाने में अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है. राजा अली रजा अनवर ने मजीद कहा कि फ्यूजन क्लीन एनर्जी के लिए पाकिस्तान में बुनियादी सतह पर एक फ्यूजन रिसर्च प्रोग्राम चलाया जा रहा है. चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी ने पाकिस्तान का जो मौका है वो भरपूर तरीके से इस अहम कॉन्फ्रेंस में जो है वो पेश किया, जिसको वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी पजीराई की और इसमें इंटरेस्ट भी लिया है. ठीक है अवैस कहानी, बहुत शुक्रिया आपका. IMF मिशन